Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, nowadays I am teaching you about those types of questions जो 10th class के board exam में आने वाले हैं. कुछ type के questions मैं आपको आजकल बता रहा हूँ. तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं. So let's start the class of the day. फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी एक पिक्चर देता है, पिक्चर मीन्स तस्वीर, और ऊपर में लिखता है कि डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. 10 वाक्य में आपको उस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, उस पिक्चर के बारे में आपको कुछ भी लिखना होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लिखेंगे वो आज हम सीखेंगे. बहुत ही इजी ट्रिक है, इजी वे है. आप पूरा वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती होगी, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती होगी, तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे. और वो कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. वो 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूँ. तो यह है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है Describe the picture in about 10 sentences. इस तस्वीर में क्या क्या है वो आपको गौर से देखना है. और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि Describe the picture in about 10 sentences. और नीचे पॉइंट दिया हुआ है कि आपके किस आपको किस पॉइंट पर आपको लिखना है. तो ये आपके लिए और भी इजी हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट से एक एक सेंटेंसेज अगर बनाते हैं तो भी 10 सेंटेंस हो जाएंगे. तो पहला है प्लेस, पर्सन, वाटर, स्प्रे बोटल, सीजर्स, कॉम, रेडियो, मिरर, एक्टिविटी एंड अदर थिंग्स. तो हम एक एक करके जो पॉइंट दिया हुआ है, एक एक पॉइंट से हम एक एक सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे. जो भी चीज़ें तस्वीर में है नज़र आ रही है, आप उसको एक बार गौर से देख लीजिए कि उस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है और किस किस चीज़ पर लिखा जा सकता है. जो पॉइंट दिया है उस पर ही लिखो, बस 10 सेंटेंस हो जाएगा. तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेस से. तो प्लेस, प्लेस किसके बारे में दिया हुआ है ये चित्र? तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सलून. ओके फ्रेंड, यह एक सलून का तस्वीर है. अब आगे है पर्सन. तो पर्सन में क्या क्या दिया हुआ है फिर से आप एक बार तस्वीर को देखिए ध्यान से. तो इसमें दिया हुआ है एक बार्बर है और एक कस्टमर है, मीन्स वहां पर दो पर्सन है. तो पर्सन के बारे में हम लिख देंगे कि देयर आर टू पर्सन बार्बर एंड कस्टमर. ओके फ्रेंड्स, देयर आर टू पर्सन अ बार्बर एंड कस्टमर. अभी तीसरा है वाटर स्प्रे बोटल. तो वाटर स्प्रे बोटल, ठीक है. तो वाटर स्प्रे बोटल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि देयर इज अ वाटर स्प्रे बोटल ऑन द रैक. ओके फ्रेंड्स, ए रैक है जो तस्वीर में देख रहे हैं, जिस पर वाटर बॉटल रखा है वह रैक है. उसको हम रैक बोल सकते हैं या सेफ भी बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा है सीजर्स. सीजर्स का मतलब होता है कैंची. तो सीजर्स सीजर्स There is a scissor. There is a scissor in barber's hand. Okay friends, barber के हाथ में एक कैंची है. तस्वीर में आप ध्यान से देखना कि barber के हाथ में कैंची है. अभी आगे है comb. Comb का मतलब होता है कंघी. एंड आप देर लगा के बनाते जाओ, बस देर इज अ कॉम इन
barber's hand. Okay, friend. Again, radio. Radio is playing there in the. अभी तस्वीर में देखो आप. रेडियो को मतलब प्ले किया जा रहा है. मीन्स वहाँ पे रेडियो है तो बज ही रहा होगा. तो देयर इज अ रेडियो ऑल्सो. देयर इज ऑल्सो अ रेडियो इन द सैलून. ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है. बस आप डिस्क्राइब कर दीजिए उस तस्वीर के बारे में कि क्या क्या है वहाँ पर और कौन क्या कर रहा है. आगे है मीरा. मीरा कहाँ पर है? कस्टमर के सामने में, जहाँ कस्टमर बैठा है, जहाँ बार्बर खड़ा है. ओके, तो देयर इज अ मिरर. मिरर इन फ्रंट ऑफ या ऑपोजिट भी हम लिख सकते हैं. ऑपोजिट द कस्टमर. ओके फ्रेंड्स, देयर इज अ मिरर ऑपोजिट द कस्टमर. अभी आगे क्या है? एक्टिविटी. एक्टिविटी मतलब क्या काम हो रहा है वहां पर, क्या कार्य किया जा रहा है. तो एक्टिविटी में हम लिखेंगे कि बार्बर इज कटिंग हेयर. ओके, कस्टमर इज सिटिंग ऑन द चेयर. ओके फ्रेंड्स, बार्बर इज कटिंग हेयर एंड कस्टमर इज सिटिंग ऑन द चेयर. बार्बर बाल काट रहा है और कस्टमर चेयर में बैठा है. ओके फ्रेंड्स, लास्ट है अदर थिंग्स. तो अदर थिंग्स में आपकी मर्जी में जो आए लिख सकते हो. अदर थिंग्स में दिस इज वेरी नाइस सलून. आप कुछ भी लिख सकते हो. मैंने इजी चीज बताया आपको लिखने के लिए, कि इजी वे बताया है कि आपको अगर बेसिक इंग्लिश भी आती होगी तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से किसी भी तस्वीर को, कोई भी किसी भी तरह का तस्वीर आए क्वेश्चन में, तो आप उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है. आपको पॉइंट्स दिया रहेगा नीचे में, उसी पॉइंट से एक एक सेंटेंस बना देना. ठीक है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट से अगर आप दो सेंटेंस बना सकते हो. अगर वहां पर पॉइंट कम दिया हुआ है, जैसे 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से दो सेंटेंस बना दो. और अदर थिंग्स जो लास्ट में होता है उसमें आप 3-4 सेंटेंस लिख डालो. ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. और फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश विस्तार से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए. मैंने अभी तक 250 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया है. बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश एंड एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स, सारा का सारा कुछ डाल चुका हूँ मैं. आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं घर पे बैठे. ठीक है फ्रेंड्स, सो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.